मंदसौर जिले में नागपंचमी पर नरसिंहघाट अखाड़ा देवनारायण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नागपंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। 100 साल पुराने मंदिर में नागपंचमी पर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना कर फूल दूध खीर नाग देवता को चढ़ाया गया और मनोकामना की गई। ऐसी मान्यता है कि जिस किसी की मनोकामना पूरी होती है, जैसे पुत्र पुत्री प्राप्ति की, तो वे पूरे परिवार सहित मंदिर में पालना बांधकर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं शाम को मंदिर में 1.25 क्विंटल खीर की प्रसादी भी बांटी गई। ये मतलब हर साल नागपंचमी पे मतलब ये उत्सव मनता है और नाग देवता का पूजन भी होता है, दूध भी चढ़ाते हैं, भक्त लोग आते भी है और जो जिसकी मनोकामना पूर्ण हो, बच्चे की कुछ भी मतलब पालना बंधाने की, तो वो भी इच्छा पूरी होती है क्या भाई। और शाम कितने वर्ष पुराना मंदिर है? और ये तो कम से कम मैंने वर्ष 100 साल ऊपर पुराना मंदिर है, 100 साल के ऊपर। यहाँ नागपंचमी हर साल के लिए मनाते हैं और हर साल शाम को 7 बजे आरती उतारते हैं और फिर 1.25 क्विंटल की खीर बांटते हैं हर साल हर नागपंचमी पे। और ये आयोजन रहता है और फिर कार्तिक महीने तक सब समय रहते ही है। कार्तिक महीने भंडारा भी रहता है, भंडारा भी होता है, भक्तों की मन्नत पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, जो भी मन्नत करते जाते हैं, पालना बांधते हैं सब, जो भी जगह। और कौन सा स्थान है ये? देवनारायण जी का स्थान है, भैरव बाबा जी का है और माता जी का, बालाजी का। क्षेत्र में? नरसिंहपुरा क्षेत्र में। मंदसौर से पीडी बरागी की रिपोर्ट।